आज चान्हो प्रखंड में एकलव्य स्कूल के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर बंधु तिर्की का सुदर्शन भगत और अर्जुन मुंडा का पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए ये चान्हो प्रखंड है और इसी प्रखंड में सिलागाई गांव है और सिलागाई गांव में एक छोटा सा टोंगरी है जिसे स्मारक स्थल कहते हैं वीर बुद्ध भगत का। वीर बुद्ध भगत स्मारक स्थल कहते हैं उस टोंगरी को, उसी का यहाँ पर स्मारक स्थल बना हुआ है और उसमें 20 एकड़ ज़मीन पर एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है। उसी के विरोध में आज 14 तारीख को पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर इसलिए पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है कि हमारा अस्तित्व के साथ खतरा दिख रहा है, वीर बुद्ध भगत के स्मारक के साथ खतरा दिखाई दे रहा है। देखिए आज वीर बुद्ध भगत के इतिहास पर चोट पहुंचाया जा रहा है, इसलिए चान्हो प्रखंड पर पुतला दहन किया जा रहा है क्योंकि आदिवासी लोगों का इतिहास बहुत बड़ा है और वीर बुद्ध भगत का इतिहास बहुत बड़ा है, उसी से आदिवासी समाज प्रेरणा लेता है और प्रेरित होता है और उसी पर चोट पहुंचाया जा रहा है। 20 एकड़ जमीन को छीना जा रहा है और वहां पर वीर बुद्ध भगत के स्मारक स्थल ना बना करके किसी दूसरे का विद्यालय बनाया जाना है। उसी के विरोध में आदिवासी सरनाथ समाज के लोग चान्हो चौक पर माननीय विधायक बंधु तिर्की का और माननीय सांसद सुदर्शन भगत का और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला दहन किया जा रहा है ताकि वो लोग चेते और आदिवासियों के मनोबल को नहीं गिराए। जहाँ पर उनकी आस्था है आस्था पर चोट नहीं करें, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करें, इसीलिए पुतला दहन किया जा रहा है। आदिवासी सरना महासभा के द्वारा चान्हो चौक पर जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है और देखिए यहाँ अमर शहीद वीर बुद्ध भगत का तोरण द्वार है, इसी से प्रवेश करके पहुंचा जाता है सिलागाई गांव जहाँ पर एक छोटा सा सुंदर टोंगरी है, 52 एकड़ परिक्षेत्र में फैला हुआ है और उसी में वीर बुद्ध भगत के दो स्टैचू हैं और दो स्टैचू के साथ वहां पर प्रोग्राम स्थल और साथ ही आदिवासियों का परंपरागत तरीके से पूजा होने वाला 7 पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल को ख्याल नहीं करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर एकलव्य विद्यालय बनाया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय बनाने के लिए अनेकों जगह है चान्हो प्रखंड में, उसके बाद भी आदिवासियों की भावना को चोट पहुँचा करके सिलागाई की टोंगरी पर ही एकलव्य विद्यालय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के विरोध में ये आंदोलन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यह आंदोलन बहुत ही जबरदस्त होने की तैयारी कर रहे हैं आदिवासी सरना महासभा के लोग। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।